मॉर्निंग गाइस, ये है अपना ग्राउंड और ये देखो ऊंट वूट भी यहाँ पे कैसे बरकरार आ भैया अपना ऊंट कर रहा है चिल अपना। जा रहे हैं ऊँट की सवारी करने के लिए और हवा टाइट हो रही है मेरी तो हेलो ओ मेरी जान भाई अलग ही लेवल का सीन है चढ़ाई पे तो मजा आ रहा है अब जाके शाबाश मेरे ऊंट भाई पर लुड़का मत दिए वरना कूल ही जाएंगे मेरे तो थोड़ा हल्का रख लो कभी लुड़का तो कूल ही जाएंगे मेरे तो मैंने तो रस्सी पकड़ रखी है अपनी मस्त सेफ्टी से भाई बड़े ठुमके मार रहा है ये तो आई मैं ऐसी बैठ जाऊँ ऐसा फील हो रहा हल्की हल्की तो हॉर्स राइडिंग वाला ऊंट बढ़िया समझदार है सारे शायद समझे हैं भाई एडवेंचर का तो मजा है वैसे अब आने वाला चढ़ाई पे को लाइफ में फर्स्ट टाइम गाइस अकेला बैठा हूँ ऊंट पे ब काफी है कभी लड़ा गल्लू बैठ जा आराम से सुनता नहीं है तुम भी अरे मैया रे बैठ जा बस शुक्रिया भाई साहब कुछ भी खेलो खेले ऊंट की राइड में तो अलग ही मजा आता भाई देखो एक चीज़ मैंने आप नोटिस करी है ट्विन टावर जैसी देखो यहाँ पे बिल्डिंग भी है मज़ेदार है यार वाइब तो है यहाँ पे आज नाश्ता तो कर लिया था आलू के परांठे खाए थे नाश्ते में और दही और चाय अब खेल लें थोड़ा बहुत क्रिकेट इतना बड़ा ग्राउंड है कहीं वो खेलो वो क्लिप नहीं मिलने की सॉरी आपको क्योंकि साफ सीधी सी बात है स्टोरेज नहीं है ये देखो कितनी दूर बॉल मारी है इन्होंने बिल्कुल कौन है मेरे को कितनी दूर खड़ा है चीटी से दिख रहे हैं बिल्कुल तगड़ा ही है मैं भी देखूँ अपनी बैटिंग पे पहले इस बात तो क्रिकेट स्टेडियम में पहुँचा दिया उन्होंने सिक्स मार के मिडिल स्टेडियम पे लिया है तो मुझे बिल्कुल मिडिल स्टेडियम पे इस बार भगा दिया गाइस इनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा तो गाइस जिम तो ओपन हो चुकी है अपनी मेरी सुनाई में आई है और सब बुला भी रहे हैं कि आ जा मन भी बहुत कर रहा वर्कआउट का यार अब लेकिन एक बीटी है क्योंकि अगर आज शायद मुश्किल है बैलून उड़ना और मैं चाहता था कि आप लोगों को थोड़ा मतलब बाहर का माहौल दिखाऊं सोसाइटी दिखाऊं बैलून से तो शाम 5 बजे हो सकता है इस चक्कर में शायद मुझे रुकना पड़ सकता है कल के लिए कल रुकूँगा अगर
तो मैं ये व्लॉग आगे ही नहीं बनाने का, फिर सीधा कल का जो बैलून वाला हिस्सा होगा वो जोड़ दूंगा इसमें। फिर चलो मिलते हैं आगे। ये देखो गाइस, ये तो मैच चल रहा है यहाँ पे क्रिकेट का। जीत गया मैं और व्लॉग ऑन करते जीत गया। वाह भाई वाह। चलो भाई मुबारक हो, हम सेकंड आए तुम पहल के, ये तो गरीब रह गए। मजदूर हो आपस में बांट लो अपनी अपनी बज्जी। ला भैया जीत। अबे कल के सेम कलर थे और सेम आए, ये फिर हार गए। ये भाई कितना क्लियर दिख रहा है लाइट में क्रिकेट क्रिकेट। और ये भैया इतने ऐसे चीखा चिल्लाहट कर रहे हैं क्रिकेट वाले, वो हरा वो जीत अगर करके सब कोई हिसाब नहीं। अहलाज कोई दो दारू बाजार नहीं लड़े हो। भाई आज तो हवा केड़ी चल रही है। बैलून मिलने का ही नहीं है, बॉर्डर पार जाएगा सीधा। पता लगा पहुंच गए पाकिस्तान या अफगानिस्तान। भाई टेंट कहाँ पर है, लेकिन एक बात है बंदा हवा अंदर नहीं अंदर है, टेंट बेशक से उड़ता है। अब जाके ये दूसरा दिन है और अब जाके उड़ेगा बैलून इवनिंग में, थोड़ा सा जब उजाला होगा। तो अब सीधा मैं तुम्हें सेटअप पे दिखाता हूँ। तो दे सकते हो गाइस, अब पैराशूट को ओपन कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा फैलाएंगे, सुखाएंगे, उसके बाद इसके अंदर एयर भरी जाएगी। ये देखो गाइस, अब ये पूरा है बैलून फूल रहा है। अब ये बैलून फूल चुका है आधा लगभग। ये देखो ये फिक्स हो चुका है सिलेंडर यहाँ पे, ये हवा मार के अच्छा से खड़ा हो रहा है पूरे बैलून को। अरे भाई हम भी मजदूरी करवा रहे हैं, थोड़ी बहुत पकड़वा रहे हैं क्योंकि बड़ी चीज इतने आसानी से कंट्रोल में आती गाइस। ये आप लोग देख सकते हो गाइस अंदर से एयर किस तरह का लगता है। तो देखो गाइस देख सकते हो, अभी ये फ्लेम जा रही इसके अंदर फंस के धुएं निकल रहे हैं, क्योंकि ये जितनी भी स्टीम थी वो सारी सारी बाहर निकलेगी।
माय गॉड ओ भाई ये क्या बीटी हो गई। तो देखो भाई ये फिर नीचे होने लगा, इसको फिर फिक्स कर रहे हैं। ओ माय गॉड सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी भाई इन सब की। तो भाई देखो अब 90% हो चुका है, अभी बस 10% रह गया ये। और वो देखो उड़ना शुरू होने लगा ये। आजा 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 ये थोड़ा थोड़ा मुझे आड़ा सा लग रहा है, सच में हो रहा है ये गाइस। एल की वजह से हो रहा है ये सब। ओ भाई साहब अबे तुमसे कद्दू फिल्म चलनी थी, टिक गई। तुम तो तुड़वा गई कमर हमारी। सौ परसेंट ले जाओ भाई। चलो मम्मा भी आ रही साथ में, ठीक है। आज ये के चक्कर में बहुत बीटी हो रही है, बहुत ज्यादा। इस चक्कर में मैं नहीं बैठा गाइस। हाँ जी हाँ। ओए देखिए 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 कितना बड़ा डी। ओ बेटे की जान। भाई साहब फर्क कुछ भी क्यों, भाई साहब पायलट की हिम्मत, पायलट की हिम्मत, रिस्पेक्ट है पायलट को। फ्लेम मत दो। देखियो ये तो आसमान में उड़ रहा है। ओए मैया, अरे भैया भाई भाई साहब ये तो बहुत पलटने वाला सीन लग रहा है इसका।
लो फ्लेम मत मारो यार। अरे फ्लेम मारते रहना, ले नीचे ले, धीरे धीरे खींच ना अपनी तरफ। बैठ ये पूरा बन गया। थोड़ी देर फ्लेम मत ले, इसको नीचे आने दे। ऊपर जा रहा है अब। कुछ रुकी दिखा। जितना फ्लेम मारेगा, हाँ। लेकिन ऊपर कोई। ऊपर है। ऊपर हवा है यार। क्या जा रहा है? ऊपर बहुत ज़्यादा हवा है। इतना सूट आए ड्रैगन। भाई फ्लेम मत दे, फ्लेम मत दे, आराम से। ओ ओ आराम से, आराम से, आराम से। आराम से, आराम से। तू दूसरी रस्सी पे ले। नीचे नीचे आके एकदम ऊपर को जाके एकदम दाब लियो, एकदम से ऊपर को जाके कैच करो जी सब्जी वाले। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, आराम से आराम से आराम से आएगा, नीचे आएगा। तो गाइस यही था आज का एक्सपीरियंस, जितना भी था अब यही था। क्योंकि देखो 6 बज चुके हैं और मतलब 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में 7 मिनट है। और अब ये मेरी लास्ट राइड थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही झूला था, उसके बाद मैं ज़्यादा ऊपर गया नहीं क्योंकि वहाँ सेफ नहीं था, तो मैं गया नहीं। बट कस्टमर थे, कस्टमर डिमांड कर रहे थे तो उनको भेज दिया था उन्होंने, तो इसलिए तो मैं थोड़ी बहुत राइड करी। बाकी आपको पुराने व्लॉग में ज़्यादा राइड मिल जाएगी। और इस टाइम पर एक्सपीरियंस ज़्यादा तो मैं कुछ खास मिलता नहीं, क्योंकि वही व्यू ख़त्म हो चुका था, व्यू इवनिंग के टाइम पर होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब नेक्स्ट टाइम फिर कभी आना हुआ तो ज़रूर दिखाऊंगा। तो देखो अब हम इस पर चल रहे हैं पैराशूट के ऊपर, ताकि थोड़ी सी इसकी एयर निकल पाए। देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है यार, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा में चल रहे हूँ, सही बताऊँ तो। ये देखो ओ भाई, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं बादलों में चल रहा हूँ, लिटरली इतना ही फील हो रहा है। पूरी इसमें हवा भर चुकी है मस्त गैस। गाइस ये है मेरी लास्ट नाइट इस प्यारे से रिजोर्ट में। अभी काफ़ी देर से मैं बोन फायर पे पैर और हाथ सेक रहा था, वो आप लोगों को दिखाया नहीं। अब क्या हर एक छोटी छोटी चीज़ दिखाऊं, लेकिन अब खाने का टाइम हो रहा है तो हम जा रहे हैं अपने टेंट की तरफ को। और सामने चीज़ों खाने ले जा रहे हैं और मैं पीछे भी जा रहा हूँ, अपनी सिंपल दाल रोटी खाएँगे। क्योंकि ज़्यादा कुछ खाऊँगा तो फिर तुम्हें पता ही है मेरे साथ क्या सीन है, बीटी वेट की। और मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, ठंडा ज़्यादा नहीं हो रही पर कोहरा ज़्यादा होने लगा है। ये लाइट तो अलग ही लगती है, ट्रिपी ट्रिपी जी। चलो मिलते हैं आगे खाना खा के। भाई जी आगे अपनी दाल मखनी खाते हैं और मिलते हैं। ये कुत्ते ने जान मुंह में बुला दे हैं, तीनों कुत्ते मिलकर आवाज़ में खेल रहे हैं। मेरे को लगा पीछे कौन आ गया भाई, देखो चारों तरफ अंधेरा है भाई। मौसम में मेरे अलावा कोई भी होगा ना भाई, हवा की शक्ति है अकेले मेरे को। तो अभी मैंने खाना खा कर मिटा था, थोड़ा सोचा थोड़ा टहल लूँ, फिर कल से तो अपना 9 बज रहे हैं, कल से तो अपना फिर वही वर्कआउट शुरू होने वाला है। फिर स्ट्रिक्ट डाइट, फिर बाहर खाना बंद, रात की रोटी बंद, रात में लिक्विड डाइट या फिर कॉर्नफ्लेक्स। तो चलो मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, फिर किसी नए दिन आप लोगों से। अभी के लिए मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू, पीस आउट।